बेमौसम बरसात ने पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में हालात बिगाड़ दिए हैं। बिजली गिरने और वर्षा जनित हादसे में गुजरात में 27 और मध्य प्रदेश में 4 लोगों की जान चली गई है। उधर हिमाचल की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में भी सोमवार रात हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी। दिल्ली में पारा सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। दृश्यता कम होने से दिल्ली आने वाले 16 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मंगलवार से कोहरा गहराएगा। वहीं उत्तराखंड में मंगलवार को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में हल्की बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। उधर जम्मू कश्मीर में दिसंबर में हिमपात शुरू हो सकता है। यही नहीं, महाराष्ट्र के भी 6 जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। वहीं खराब मौसम के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर शाम को उतरने वाली 16 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है।